ना, टेंशन नहीं लीजिए, सब नोट बना के रखा होगा, वो सब अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, यही CMCC मैथड रीजनिंग से ही टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा कि जीरो से जोड़ना घटाना ये सब करना, गुना भाग करना। तो देखिए अब यहाँ पे एक और प्रकार के नोट आए, किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़ दीजिए, दिया हुआ संख्या होता है, किसी भी संख्या में आप जीरो को घटा दीजिए, दिया हुआ संख्या होता है। एक बात और, जीरो में किसी संख्या को जोड़िए, दिया हुआ संख्या होता है जीरो में, लेकिन जब गुना भाग की बात आती है मेरे दोस्त, जब किसी संख्या में आप जीरो से गुना करते हैं तो सुनना बन जाता है, या जीरो से किसी दूसरा संख्या में तैयो सुनना बन जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, से कोई मतलब ना, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, जीरो बन गया मतलब जीरो मतलब जीरो, समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। चलिए कुछ भी रहा है जीरो ही होगा, लेकिन भाग में एक स्टैंडर्ड केस आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रयास यह कीजिए बहादुरो, यह प्रयास करना है कि जब किसी संख्या में, ठीक है, सुनना से भाग दीजिएगा तो उसका मान इन्फिनिट है, अनंत हो जाता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, लेकिन जीरो में आप किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान जीरो होता है। देखिए इधर उधर पलटने से कष्ट हो जाएगा, कहने का मतलब कि जब ऊपर जीरो रहेगा इसका मतलब है कि जीरो हुआ, लेकिन बट्टा में अगर कहीं जीरो हो गया, इसलिए ना लिखा जाता है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी संख्या पढ़ते हैं तो हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए, यही हर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो रहेगा तो वैल्यू कभी कटेगा नहीं, कुछ माने नहीं, अनंत तक जीरो जीरो होते जाएगा, पाँच के पाँचे पड़ा रह जाएगा अनंत जीवन काल तक, कोई व्यक्ति रहेगा नहीं तो खाएगा क्या, आम पड़ा के पड़ा रह जाएगा अनंत काल तक, कहेगा सर यहाँ तो कीड़ा मकोड़ा है ना, तो कुछ तो है भाई खाने वाला है, ठीक है। चलिए कोई ना कोई नष्ट करने वाला चाहिए, तो कोई ना कोई चाहिए, कहोगे ना कहोगे एको को चाहिए भैया, कहो कुछ है ही नहीं, अनंत आएगा, भाग दीजिएगा। भाग का मतलब आपको हमने बट्टा सिखाया था, ये पाँच बट्टा जीरो का मतलब होता है पाँच भागा जीरो, ये सब जानकारी आपको हमने बता रखा, आप लोग आसानी तरीक़ा से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस तरीक़ा से इस पॉइंट पर हमने बात किया, अब हम लोग देखते हैं जीरो का काम खत्म हो गया तो एक का काम आता है। अच्छा पकड़ेंगे कैसे, आपसे ऐसे पूछेगा, ऐसे पूछ जाता तो आप लिखे दीजिएगा ना, आपसे भाषा के रूप में पूछेगा, आपको कह देगा कि पाँच में किसी संख्या से भाग देने पर क्या माना। तो देखिए आप कैसे जानिएगा कि पाँच बट्टा के ऊपर है कि जीरो बट्टा के ऊपर है, कि पाँच बट्टा के नीचे हर के रूप में कि जीरो हर के रूप में है, कैसे जानिएगा। तो एक बात आप तय कर लीजिए, जिस भी संख्या जिस भी राशि के साथ का अथवा से लगा रहे, कथी लगल रहे, का अथवा से लगल रहे, वो हर के रूप में होता है। अभी मेरे बातों पर गौर कीजिएगा, हमने कहा था कि जी पाँच में जी जीरो से भाग देने पर क्या मानाएगा, तो बताइए से केकरा जोड़े लगल है, पाँच के जोड़े कि जीरो के जोड़े, भाषा हम लिख देते हैं, पाँच में जीरो से भाग देने पर मान क्या होगा, मान क्या होगा। तो भाषा का पकड़ने का कोशिश कीजिए, आजकल तो अथी इंस्टा पर चलता है बीट पकड़ाता है लड़की सबके, बीट पकड़िए डांस चमकती है, तो बीट नहीं पकड़ना है यहाँ, भाषा पकड़ना है, वेबगो बनाता है ना। चलिए पाँच में जीरो से भाग देने पर मान, ठीक है, तो देखिए से पाँच के जोड़े है कि जीरो के जोड़े छपकल है, तो आप कहेगा जीरो के जोड़े, तो हो गया काम खत्म है मेरे दोस्त। जेकरा जोड़े से लगल है बट्टा के नीचे लिखिए, आ जेकरा जोड़े से न लगल है बच गया ओकरा ऊपर लिखिए, हो गया। अब बताइए जब पाँच बट्टा जीरो आप देख लीजिएगा, हर के रूप में जीरो आ जाएगा बट्टा में, तो आँख बंद करके उसका मान आप अनंत नहीं कीजिएगा, इन्फिनिटिव नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, न तो पकड़ नहीं पाएगा, तो आप सोचिएगा तोरा के भाग देना है, जीरो भी हो सकता है अनंत भी होता है, लिखो तो कि लिखो दोनों ऑप्शन में दिला रहेगा, मजा आ जाएगा कि ना भाई। अब बात मेरा पकड़िए, जीरो में पाँच से भाग देने पर मान क्या आ गया। देखिए गुना करला कहे तो जीरो, गुना करना बहुत आसान है,
जब आपको गुना करने के लिए कहे तो संख्या में जीरो से गुना करो तैयो जीरो, चाहे जीरो में संख्या से गुना करो तैयो जीरो, लेकिन भाग देना तो नहीं सनी कष्ट की बात है। उसका आंसर अनंत भी आता है, जीरो भी आता है, तो कहाँ जीरो आता है कहाँ अनंत आता है ये देखना पड़ता है। तब भाषा दे देगा तो कैसे बताइएगा मेरे दोस्त, तब भाषा दे देगा तो घबराने की बात है बिल्कुल नहीं, पकड़ना है बात को। आपको हमने एक ब्रह्मास्त्र बता रखा है, जिस राशि के साथ का अर्थ वाश्य लगा रहे ओकरा पकड़ के हर बट्टा के नीचे रख देना है। चलो बउआ देखिए, तो जीरो में पाँच से भाग देने पर मान क्या होगा, क्या होगा तो बताइए, से या का केकरा जोड़े लगल है, पाँच के जोड़े ना, से लगल है चाहे का लगल है ओकरा हर, तो पाँच के जोड़े से दिख रहा है तो ये एकरा बट्टा के नीचे पाँच के रखिएगा कि नहीं, बचा हुआ के तो ऊपर। अब बताइए भाग देना है तो यही ना भाग देना है, बस अब पता चल जाएगा कि भाग जीरो से देवे कहे कि पाँच से, तो अब से या क्या जेकरा जोड़े लगल है वही से ना दीजिएगा बट्टा में। अब बताइए जब बट्टा में जीरो न रहे ऊपर जीरो रहे, बट्टा में कोई संख्या रहे तो आँख बंद करके आप जीरो नहीं बोलते हैं उसका मान हो गया, और इसे पूछे तो आप लोग तुरंत जवाब दे देते हैं कि ये मान होगा, लेकिन जब भाषा कर देता है तो भाषा इस तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा ना कभी, जैसे देखिए यहाँ जीरो में पाँच से तो आप आपको दीजिएगा सर जीरो ऊपर और पाँच नीचे, यहाँ आपको दिखा तो पाँच ऊपर जीरो, मतलब बाद में आता ओकरा नीचे, दिमागी आपको मैसेज दे देगा कि रे बउआ जब बाद में आवे छोकरा नीचे लिख, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखिए कैसे पहले आने वाला ऊपर चला जाएगा देखिएगा, हम कह देते यही बात को देखिएगा, यहाँ यही बात को थोड़ा सा, पाँच से जीरो में भाग देने पर मान क्या होगा, अब बताइए, पाँच शुरू में है तो ऊपर लिख दीजिएगा, जीरो बाद में तो नीचे तो गलत माना जाएगा, आप तो कहेगा बट्टा में जीरो तो अनंत आ जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह बताइए आपकी से या का केकरा जोड़े लगल है, पाँच के बाद न लगल है, पाँच के जोड़े न लगल है, तो पहले होले पाँच से जीरो में भाग देना है, तो जेकरा जोड़े का से लगल है तो उसको नीचे न रखना था मेरे भाई मेरे दोस्त, यही तो लॉजिक। कभी कभी बच्चा लोग क्या करता है, बच्चे तो है ट्रिक लगा लेता है अपना याद करने के लिए जल्दी में, कि गुरु जी जब लिखते हैं ना जे बाद में आवे छी ना बट्टा में चल जाए छी, जे बाद में आवे छी ना बट्टा में चल, तो ऐसा कोई बात नहीं। देखिए बाद में जीरो वाले ये क्या जीरो बट्टा में गया, जीरो देखिए कहाँ आया ऊपर आएगा, इसका मान कितना होगा जीरो, ये सही होगा, ऐसा कोई बात नहीं। लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज पकड़ने का एक ही तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। तो जब भी कहे कि जिस राशि के साथ का से लगल है बस उसको हर में उठा कर पटक देना है, भाग देने का मतलब होता है बट्टा का मतलब क्या होता है, भागे ना होता है मेरे दोस्त, ये जो हम लिखते हैं जीरो बट्टा पाँच, इसका मतलब क्या समझते हैं, जीरो भागा पाँच नहीं होता है, यह ना भाग बट्टा बदल जाते हैं, जीरो में पाँच से भाग दे मान कितना होगा जीरो, पाँच से भाग देना, तो लैंग्वेज आपको इस तरीका से भी लिख लिख कर सताएगा। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, सपोर्ट में हम हैं ना, आपने देखा कि अब जीरो का काम खत्म है, अब